कॉस्टिंग में हमने ये पढ़ रखा है कि लागत किस तरह से उनका लेखा किया जाता है, कॉस्ट स्टेटमेंट किस तरह से बनाया जाता है, कॉस्ट रिपोर्ट किस तरह से बनाई जाती है, डाटा को किस तरह से प्रारूप के अंदर उनको सही रूप में लिखा जाता है, पर यूनिट कॉस्ट निकाली, तो ये सभी काम लागत में हमने देखा है। अब जो लागत निकाली गई है या जो स्टेटमेंट बनाया गया है या कॉस्ट शीट बनाई गई है, तो क्या वो स्टेटमेंट या शीट बनाई गई है वो सही है, क्या उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है या कोई जानबूझ के कोई फ्रॉड किया गया है, तो उस लागत लेखों की सत्यता की जांच करने के लिए लागत अंकेक्षण आवश्यक है। तो सरल शब्दों में लागत अंकेक्षण का आशय लागत लेखों की सत्यता की जांच करके यह पता लगाना है कि लागत का निर्धारण सही किया गया है या नहीं। विस्तृत अर्थ में लागत अंकेक्षण के अंतर्गत लागत लेखों के साथ साथ लागत निवारण पत्रों, लागत रिपोर्ट, लागत समंकों एवं लागत प्रविधियों की भी जांच की जाती है। लागत अंकेक्षण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। अब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अनुसार लागत अंकेक्षण को लागत लेखों की शुद्धता के सत्यापन तथा लागत लेखांकन के सिद्धांत, योजनाओं एवं प्रक्रियाओं के अनुसरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब जो लागत लेखे रखे गए हैं उसकी शुद्धता, उसका सत्यापन, सिद्धांत और योजनाएं प्रक्रियाओं के अनुरूप है या नहीं, इसका पता लगाना। स्मिथ एवं डे के अनुसार लागत अंकेक्षण का आशय लागत निर्धारण पद्धति, तकनीक एवं लेखों की विस्तृत जांच है, जिससे उनकी शुद्धता को सत्यापित किया जा सके एवं लागत लेखांकन के उद्देश्यों की पूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ लंदन के अनुसार लागत अंकेक्षण लागत लेखों के सही होने एवं लागत लेखा योजना के अनुसरण का सत्यापन है। उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने से परिव्यय लागत अंकेक्षण के निम्नलिखित दो अंग प्रकट होते हैं। परिव्यय लागत अंकेक्षण, जिसमें लागत लेखों की सत्यता की जांच है, और दूसरा परिव्यय लागत अंकेक्षण लागत योजना के अनुसरण की जांच। पहली चीज़ तो जो लेखा रखा गया है क्या वह सत्य है, और जिस योजना के अनुसार वह लागत लेखा योजना के अनुसरण किया गया है या नहीं, उसकी जांच करना। तो लागत लेखों की सत्यता की जांच लागत अंकेक्षण तभी संभव है जबकि पहले उस संस्थान में लागत लेखे रखे जाएं। ये तो ऑब्वियस है कि जहाँ लागत लेखे रखे जाएंगे वहीं लागत अंकेक्षण संभव है, अन्यथा नहीं है। यही कारण है कि भारत सरकार को जिस उद्योग में लागत अंकेक्षण लागू करना होता है उसमें पहले लागत लेखों का रखा जाना अनिवार्य करने के लिए वह आदेश जारी करती है। लागत अंकेक्षण के अंतर्गत ये जांच की जाती है कि लागत से संबंधित लेखे सही है अथवा नहीं। व्यवहार में लागत अंकेक्षण का क्षेत्र व्यापक है। इनके अंतर्गत प्रमाणों को भी सत्यता से केवल इतना ही नहीं देखा जाता कि लागत लेखे सही हैं, बल्कि यह भी ज्ञात किया जाता है कि लागत का निर्धारण सही है अथवा किसी वस्तु की लागत क्या होनी चाहिए थी, ये भी ध्यान में रखा जाता है। लागत लेखा योजना के अनुसरण की जाँच करना परिभाषा के दूसरे अंग के रूप में इसके अंतर्गत यह जांच की जाती है कि लागत लेखा योजना का अनुसरण किया गया है अथवा नहीं। अतः लागत अंकेक्षण लागू करने के लिए आवश्यक है कि संस्थान में लागत लेखों को योजनाबद्ध ढंग से लागू किया जाए। इसके अंतर्गत योजना के अनुसरण की जांच मात्र ही नहीं की जाती,
जाती है, बल्कि यह भी जांच की जाती है कि इस योजना स्वयं सही और उपयुक्त है और इससे अपेक्षित परिणाम उपलब्ध हो रहे हैं। 10 दृष्टिकोण से लागत अंकेक्षण के अंतर्गत लागत लेखों के साथ साथ लागत विवरण पत्रों, लागत रिपोर्ट, लागत समंकों और लागत प्रविधियों की भी जांच की जाती है। कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट रिपोर्ट, कॉस्ट डाटा एंड कॉस्ट टेक्निक्स की जांच की जाती है। उपयुक्त परिभाषाओं के विवेचन से स्पष्ट है कि लागत अंकेक्षण के अंतर्गत न केवल लागत लेखों की शुद्धता का सत्यापन किया जाता है, वरन यह भी पता लगाया जाता है कि लागत लेखों को लागत लेखा योजना के अनुसार ही रखा गया है या नहीं, अर्थात लागत लेखों को लागत लेखांकन के सिद्धांतों, नियमों एवं ICWAI द्वारा निर्गमित लागत लेखांकन प्रमापों के अनुसार रखा गया है या नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको रखा गया है या नहीं। अब लागत अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है? लागत अंकेक्षण के उद्देश्यों को 2 दृष्टिकोण में व्यक्त किया जा सकता है। पहला संस्था के दृष्टिकोण से और दूसरा सरकार के दृष्टिकोण से। संस्था के दृष्टिकोण से लागत लेखांकन के क्या उद्देश्य हैं? कि लागत लेखों की गणितीय शुद्धता को जांचना, लागत लेखा जो रखे गए हैं क्या वो एक्यूरेट है या नहीं, क्या उसके अंदर जो डाटा लिखा गया है वह मैथमेटिकली सही है या नहीं। लागत लेखों को तैयार करने में सरकारी अधिनियमों एवं आदेशों के अनुपालन से संबंधित जानकारी प्राप्त करना कि क्या लागत लेखे जो तैयार किए गए हैं वह गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, क्या किसी रूल्स को तोड़ा तो नहीं गया है या किसी प्रकार की कोई मनमानी तो इसमें नहीं की गई है, इसकी भी जाँच करना। संबंधित संस्था में लागत लेखे ज्ञात लागत लेखांकन के सिद्धांतों एवं प्रमापों के अनुसार रखे जा रहे हैं या नहीं। अब जो स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं और उनके अकॉर्डिंग ये जो लागत लेखे हैं वो रखे जा रहे हैं या नहीं। लागत लेखांकन पद्धति प्रबंधकों को पर्याप्त सूचनाएं दे रही है या नहीं। लागत लेखों में किए गए छल कपट एवं गबन की जानकारी प्राप्त करना। सरकार के दृष्टिकोण से लागत अंकेक्षण के उद्देश्य, क्या लागत लेखे सही हैं तथा इनके संदर्भ में उद्योग अपनी वस्तु का उचित विक्रय मूल्य वसूल कर रहा है, क्या उद्योग को संरक्षण देने की आवश्यकता है, क्या उद्योग जनहित के विरुद्ध है तथा उपभोक्ता वर्ग को क्षति पहुँच रही है, क्या उद्योग के विस्तार के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है, उपक्रम का प्रबंध कैसा है, क्या उद्योग को बंद करना हितकर होगा, ग्राहकों के हितों के अनुरूप विक्रय मूल्य तय करना, क्या उद्योग ने सरकारी आदेशों का समुचित पालन किया है या नहीं, इन सभी के बारे में जांच की जाती है।